हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है, ये एक तरह से आप लोगों का रिवीजन है जो भी लोग डेली फॉलो करते हैं, डेली नहीं सॉरी वीकली जो फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स को, बिकॉज यहाँ पर हम 2 मंथ्स के करंट अफेयर को कंपाइल करके डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर न्यू होंगे उनके बारे में ही सिर्फ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी जो नए होंगे। अदरवाइज जैसे कि पहले हम वीकली डिस्कशन में इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई भी दुख नहीं बनता है कि बार बार एक चीज़ को हम लोग रिपीट करें। तो सिर्फ एमसीक्यूज को ही हम लोग डिस्कस करेंगे बाकियों के, तो एक तरह से आप लोगों का क्विक रिविजन भी हो जाएगा और कुछ एक जो बचता था यहाँ वहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो भी इसमें मैंने डाली हुई है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ही न्यू है और ये है, कितने हिमाचल प्रदेश को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में कितने अवार्ड्स मिले? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर 3। कुल 3 अवार्ड्स मिले हिमाचल प्रदेश को, और ये ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2023 में एक तो गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल किस चीज़ के लिए मिला है? रूरल सेक्टर में डिजिटल एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो भी रूरल सेक्टर है वहाँ पर डिजिटल एक्सीलेंस के लिए इनको मिला गोल्ड मेडल। सेकंड चीज जो इन लोगों को 2 सिल्वर मेडल्स मिले हुए हैं, एक तो हिम परिवार के लिए मिला है इनिशिएटिव लेने के लिए, और सेकंड इनको मिला है एचपी शिवा एमआईएस पोर्टल के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के इनिशिएटिव के लिए इन लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है और लोगों को एक्सेसिबल है। नेक्स्ट, हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी थ्रू राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से अगर आप मशीनरी खरीदते हो तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो इसमें आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी 25%। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है 25% यहाँ पर सब्सिडी। और ये मैं सब्सिडी की बात कर रही हूँ मशीनरी खरीदने के लिए। अगर इस योजना के माध्यम से आप कोई लोन लेना चाहते हो तो 90% तक का लोन आप लोगों को मिलेगा। 10% जो भी पर्सन लगाना चाहता है कोई पर्टिकुलर अपना स्टार्टअप या जो भी चीज़ें, उनको खुद देना पड़ेगा। नेक्स्ट, निशांत कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं जिनको पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड 2023 में सिल्वर मेडल मिला? अभी मिला इनको, और ये इनको 2020 में, आप लोगों को याद ही होगा, हाँ तब से हम करंट अफेयर डिस्कस करते आए हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इनको सिल्वर मेडल मिला था निशांत कुमार को, और ये हैं हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिस्ट्रिक्ट में पहला एपीआई यूनिट लगाया जाएगा हिमाचल प्रदेश के? एपीआई यूनिट बहुत डिटेल में इसे हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है एपीआई यूनिट। ठीक है, तो ये लगाया जाएगा आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और इसका नाम होगा किनवन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये वहाँ पर एक प्लासरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ग्रीन रिसर्च लेबोरेटरी को सेटअप किया गया रिसेंटली? तो ये सेटअप किया गया था आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंजर मेला किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मिंजर मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, इंटरनेशनल फेयर इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ शूलिनी यूनिवर्सिटी इन क्यूएस रैंकिंग्स रिलीज्ड रिसेंटली? क्यूएस रैंकिंग्स में क्या इनको मिला था रैंक? तो ये इनको मिला 20th रैंक। लंदन बेस्ड रैंकिंग है ये, ठीक है, क्यूएस रैंकिंग जो है, और इनको ये रैंक मिला था जिसमें कि इंडिया में एक और इनको मिला था, ये बात कर रहे हैं हम जुलाई की, जून में टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हुई थी जिसमें इनको 3rd रैंक मिली थी इंडिया में, और एशिया में मिली थी इनको 77th रैंक। आए दिनों आती रहती है यूनिवर्सिटी न्यूज़ में ये शुलिनी। नेक्स्ट, कितने करोड़ अप्रूव किए गए थे हिमगंगा योजना के लिए रिसेंटली? तो ये आपके किए गए थे 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, हिमगंगा योजना को आप लोगों को पता ही है किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, बहुत सारे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, एक तरह का मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है ऊना में, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, लागत क्या है? तो ये है आपकी 450 करोड़ रुपये।
विच फेयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेयर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा शूलिनी मेला, जो आपका कहाँ पर मनाया जाता है? सोलन में मनाया जाता है शूलिनी मेला, शूलिनी माता का मंदिर है वहां पे। हिमाचल प्रदेश की पहली विमेन ऑफिसर कौन, किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी बिलोंग करती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। आप लोग मुझे ये बताओगे, आईपीएस ऑफिसर हैं ये, आप मुझे ये बताओगे कि इनका नाम क्या है। वुमन आईपीएस ऑफिसर होएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बजट ऑफ हिम उन्नति योजना, हिम उन्नति स्कीम का क्या बजट रखा गया है? तो ये रखा गया है 150 करोड़ रुपए, और ये एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन को लाने के लिए शुरू किया, लाने के लिए योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, हिमगंगा दूध, हिमगंगा, ठीक है, और हिमोन्नति एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। किस इनिशिएटिव के नीचे जो अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन है उसे रीडेवलपमेंट के लिए डाला गया है? अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन को उसके पुनर्विकास के लिए डाला गया है, तो ये है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन नंबर बी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास किया जाएगा अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने लो कॉस्ट लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम को यूज किया है, उसके बेस्ड टेक्नोलॉजी, सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ताकि अगर कोई लैंडस्लाइड होता है तो उसके बारे में वो पहले से ही वार्निंग दे सके, चेतावनी दे सके, ठीक है। तो ये है हमारा आईआईटी मंडी, वन एंड ओनली आईआईटी मंडी जो इस तरह की चीजें करता रहता है। अर्ली वार्निंग दी जाएगी सिस्टम को, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि अभी इतने सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं और जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए थे वो फेल हो गए हैं। वो बता तो रहे हैं कि भैया सॉइल मूवमेंट हो तो रही है, सॉइल मूवमेंट को थोड़ा सा कैच कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो थोड़ी बहुत सॉइल दरक रही है मिट्टी, ये पोटेंशियल लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर एक पोटेंशियल लैंडस्लाइड नहीं हो सकता है, ये बताने में वो सक्षम नहीं है। तो इसके लिए एक कम रुपए को यूज करके आईआईटी मंडी ने ये टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है। कांगड़ा चंबा किन्नौर में ये लगाए गए थे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी सीम है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चीन की सीमा से जो सटे हुए गांव हैं, सटे हुए लोग हैं, उनको बसाने के लिए और उनके माइग्रेशन यानी कि उनके पलायन को रोकने के लिए कौन सी योजना को बहाल किया हुआ है? तो इस योजना का नाम है आपका नौतोड़ ज़मीन योजना। एक्चुअली बहुत सारी योजनाएं हो जाती है ना जिनका नाम स्टेट की जो मुख्यमंत्री से शुरू होती है और सेंटर की प्रधानमंत्री से शुरू होती है, तो मुख्यमंत्री का नाम पहले ही आ जाता है, लेकिन इसका नाम है यहाँ पर नौतोड़ ज़मीन योजना। नौतोड़, शायद आप लोगों को याद होगा पुराने ज़माने में इस तरह की ज़मीन को कहा जाता था ना कि ये नौतोड़ है। नौतोड़ मतलब 1970 के समय पर जिन परिवारों के पास भूमि नहीं थी, लैंड नहीं थी, सरकार ने उनको दे दी थी लैंड और इसी को ही नौतोड़ का नाम रखा था, दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन कवर मिशन द टारगेट ऑफ प्लांटेशन इन हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैज बीन सेट? मुख्यमंत्री ने एक शुरू किया है मिशन, ग्रीन कवर मिशन, हरित आवरण मिशन, कितने हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा यहाँ पर 257 हेक्टेयर में। हिमाचल प्रदेश का स्टेट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन जो है उसका नाम क्या रखा जाएगा चेंज करके? तो इसका नाम चेंज करके आपका रखा जाएगा हिमक्राफ्ट, ठीक है। कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस विडोज को मिलेगी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत? तो ये आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, ठीक है। लगभग 7,000 जो औरतें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की, उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। कितने फार्मर्स हैं जिनको हिमोन्नति स्कीम से फ़ायदा मिला है? तो ये है आपके 28,873 फार्मर जो हिमोन्नति स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं।
कितने हेक्टेयर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने हेक्टेयर में बागवानी विकास को सुनिश्चित किया जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है 6000 हेक्टेयर। 6000 हेक्टेयर में एचपी शिवा के अंतर्गत बागवानी विकास किया जाएगा और 1292 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। हम पहले इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लगभग के लगभग 15,000 लोगों को इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइवलीहुड मिलेगा। 7 डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा रही है और क्योंकि आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश एप्पल बाउल है, एप्पल बाउल है हमारे कंट्री का। लेकिन एप्पल के अलावा हम लोग अमरूद, अनार, लीची, पलम, आम, इन सारे फ्रूट्स की तरफ अब ध्यान देंगे। कितने फॉरेस्ट डिवीज़न हैं जिनको इस चालू वित्त वर्ष में चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत पौधारोपण जिनमें किया जाएगा, तो ये आपके यहाँ पर आ जाते हैं 15 डिवीज़न्स हैं। क्या है ये जो ग्रीन कवर मिशन है, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो हरित आवरण है यानी कि जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाया जाएगा और बंजर पहाड़ियों की जो चोटी है उनके एक बड़े हिस्से पर पौधारोपण किया जाएगा, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये, एक तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम लोगों को ग्रीनरी बढ़ानी है, सेकेंड जो खरपतवार वहाँ पर बढ़ी हुई है उसे भी कम करना है और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। दोबारा से आ गया, ये हिमक्राफ्ट होएगा यहां पर। ये किस इनिशिएटिव के अंडर डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विल बी मेड अवेलेबल, किस पहल के तहत जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभार्थियों को डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये आपकी परियोजना है यहां पर हिम परिवार, ठीक है। हिम परिवार के अंतर्गत जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभार्थियों को डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा। एट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट लोन विल बी गिवन टू प्रोवाइडेड टू एलिजिबल स्टूडेंट अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्कीम। ये जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार योजना है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा वो कितने परसेंट पे करवाया जाएगा, तो ये आपका करवाया जाएगा 1% के ऊपर। इसलिए शुरू किया गया है इसे कि कोई भी यूथ है जो डिप्राइव नहीं रहना चाहिए हायर एजुकेशन से, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, 1% की दर पर वो लोन ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार योजना के अंतर्गत। हु इज द फर्स्ट वुमन ऑफ द स्टेट पुलिस टू स्केल यूनम पीक। यूनम चोटी को फतेह करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली वुमन नहीं है ये, स्टेट पुलिस की कौन सी ऐसी वुमन है, मतलब जो पुलिस में है, राज्य पुलिस में वो कौन सी वुमन है, तो इनका नाम है यहां पर बिंदिया, ठीक है। लाहौल स्पीति में है ये, आपकी याद रखना इसको, यूनम पिक जो है आपकी लाहौल में है और लगभग 6111 मीटर ये है। हाउ मेनी क्रोर्स इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डील विद डिजास्टर। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट डिजास्टर से डील करने के लिए कितने करोड़ की योजना को प्लान कर रही है। आप लोगों को पता ही है हिमाचल में कितना डिजास्टर हो रखा है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो 800 करोड़ रुपए की योजना को प्लान कर रही है। किस जगह पर सारथी स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो ये आपकी जो सारथी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है नूरपुर में। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ड्रग मिनेंस को चेक किया जाए और लोगों को इसके इल इफेक्ट्स के बारे में बताया जाए। सारथी स्कीम को लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम पंचायत्स वर नॉमिनेटेड फॉर नेशनल क्लीनलीनेस अवार्ड। यहां पर आप लोगों को नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा आपका बोथ ऑफ द अबव, भोरंज, कालांब, अमरो, कनो, ये सारी की सारी पंचायत्स हैं, इनको नेशनल क्लीनलीनेस मिशन के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी वैसे भी 284 जो ग्राम पंचायत्स है पहले ही ओपन डिफिकेशन फ्री हैं, पहली पोजिशन पहले इसे स्वच्छता की ड्राइव में मिल चुकी है कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह पर जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा जिसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है रिसेंटली, बनखंडी में बनाया जाएगा हमारा एक बड़ा सा जूलॉजिकल पार्क, साथ में ये टाइगर सफारी भी यहां पर बनाई जाएगी, 300 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आ जाता है,
लेफ्टिनेंट जनरल कनवाल जीत सिंह ढिल्लों, जिनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, किस इंस्टीट्यूट का किया गया है इनको अपॉइंट, तो ये है आपका यहाँ पर आईआईटी मंडी। कितना लोन दिया जाएगा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, ये इसका एक और क्वेश्चन आ गया फिर से। 90% दिया जाएगा, ठीक है, और मशीनरी के लिए 25%। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किस डिस्ट्रिक्ट में पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप को कंडक्ट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपका किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में पहली बार दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है ऑन अ पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस के ऊपर कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ऊना में चिंतपूर्णी माता का मंदिर है और इसको नाम दिया गया है सुगम दर्शन प्रणाली। अभी हमने वीकली करंट अफेयर डिस्कस किए थे तो उसमें डिटेल में इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप एक बार जाकर के इसको जरूर देखें। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग विन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड किसको मिला है यहां पर, तो ये मिला है सतलुज जल विद्युत निगम को यहां पर, और फर्स्ट प्राइज इनको मिला है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। इन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए जो चीज़ें अपनी यूज़ की थी उसके लिए इन लोगों को, इनिशिएटिव्स के लिए इनको मिला है ये फर्स्ट प्राइज। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कंट्री में पहला बन गया है जिन्होंने सारे घरों को पानी दे दिया है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, हिल स्टेट में। विच इज़ फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द स्टेट टू सिक्योर A+ ग्रेड फ्रॉम NAC, पहला इंस्टीट्यूट कौन है स्टेट में जिनको A+ ग्रेड मिला है NAC से, तो ये है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये इनको रिसर्च के एरिया में मिला हुआ है। बहुत अच्छा काम कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च के एरिया में, और जैसे कि हमने अभी इन्हीं MCQs में पीछे पढ़ा कि ग्रीन हाइड्रोजन का एक जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो लेबोरेटरी है वो भी यहाँ पर सेटअप की गई है। कौन सी जो कम्युनिटी है जिसको रिसेंटली मिला है आप लोगों को ST का स्टेटस, तो ये है आपकी हट्टी कम्युनिटी। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली डिसाइड किया है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को शुरू करना, तो हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना वही है कि भैया हमको ग्रीनरी को बढ़ाना है और जहाँ पर भी जो बंजर चोटियाँ हैं पहाड़ों की वहाँ पर पौधारोपण करना है, ग्रीनरी को बढ़ाना है। तो ये थे कुछ एक MCQs, 40+ MCQs। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, इससे आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा पिछले 2 महीनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। तो जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें।